एग्री लिखे पड़े जो बहु ने लिखे पड़े हो ये भी लिखे पड़े तो पता ही क्या कर रही है ये विदेश में जाकर डॉक्टर भी पढ़ रहा है अभी 3 साल बाद भी डॉक्टर बन जाएगा फिर तुम तो देखेगा यहाँ पर हाँ कोई बीमारी हो तो फिर तुम तो देखेगा अभी उसने देखो दो दो तरह का दबाव होता है एक तो शरीर का दबाव और एक मन की दबाव है अगर तुम्हारी शरीर ठीक ठाक चंगा है तुम्हारी शरीर ठीक ठाक है लेकिन मन से तुम दुखी हो माता जी तुम चुपचाप बैठ जाओ पानी देने वाले तुम यहाँ बैठ कर कथा सुन ले बैठो बैठो कथा सुन बहुत पी लिया थोड़ा भक्ति का रस पी लो हाँ तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूँ तुम्हारी शरीर ठीक है लेकिन घर में बड़ा दुख कष्ट है बड़ा संसार में इतने लड़ाई झगड़ा अशांति मन में एकदम घर अशांति है लेकिन तुम शरीर से चंगा हो शरीर से चो बढ़िया लेकिन संसार में स्थिति अच्छी नहीं बड़ी दुखी हो एक है संसार में शांति सुख है संसार में शांति सुख लेकिन इस शरीर में थोड़ी बहुत दुखी हो कौन सा बढ़िया है मैंने प्रश्न किया कौन उत्तर देगा अरे बोल दो शरीर से थोड़ी सी दुखी हो लेकिन संसार में बड़े खुश है संसार में बड़े आनंद है ये बढ़िया ना संसार में दुख ही दुख है लेकिन शरीर से बढ़िया ये बढ़िया है कौन बोलेगा बोलो ठीक से सोच करके बोलो क्या आश्रय बोलो क्या बढ़िया इसलिए देखो अगर शरीर से थोड़ी दुख कष्ट है ना कोई बात नहीं लेकिन अगर घर में सुख शांति है देखना वो सुख शांति में शरीर का थोड़ी बहुत रोग भी भूल जाओगे लेकिन अगर संसार में दुख ही दुख है केवल भरा हुआ लेकिन शरीर से बढ़िया है ना देखना सब बीमारी का दबा लेकिन मन की बीमारी कोई दबा सुखी नहीं रह सकते अभी शरीर को तो खिला रहे हो खूब खिला रहे हो बढ़िया बढ़िया लेकिन अंदर में दुखी हो सुखी नहीं रह सकते ये दो तरीके दबा देगी शरीर से अगर कोई दुख हो तो ये भी दबा देगी और अगर मन से कोई दुखी हो ना उसका भी दवा उसका दवा क्या भगवान की कथा भगवान की भक्ति जैसे कि पिंजरा है अच्छे तरह समझो एक पिंजरा उसके अंदर में तोता रहता है लेकिन ये तोते को तुम खाना नहीं खिलाते हो दिन भर तुम पिंजरा को पेंटिंग करते हो बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं मर जाएगा ना उसी तरह ये हमारे शरीर ये पिंजरा लेकिन उसके अंदर में जो तोता रहता है लेकिन हम क्या करते हैं ना पिंजरा को पेंटिंग करते हैं बढ़िया साबुन से शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान कराते हो ब्यूटी पार्लर में जाते हो जिम में चले जाते हो हैं बढ़िया बढ़िया पराठा खा रहे हो चकाचक और हैं लेकिन उसका अंदर जो तोता बैठा है ना वो तोते को कोई ध्यान नहीं दे रहे हो हाँ उस तोते को ध्यान दो तोते की वजह से ये शरीर है कहते वो जो अंदर में जो तोता बैठा है उसका खाना क्या है भगवान की भक्ति भगवान का नाम भगवान का प्रेम उसकी यही मेडिसिन है अगर उसको नहीं दोगे ना खाना पास तोता खत्म पिंजरा भी खत्म ठीक है इसलिए ये दो तरह की दवा देगी एक शरीर को भी दवा देगी और एक मन को भी दवा देगी दोनों इसलिए देखो ये भी तुम्हारे जैसे ही है ऐसे नहीं कोई आकाश कोई टपक पड़ी है ये भी तुम्हारे जैसे देखो अपना पढ़ाई भी करती है और भगवान की भक्ति भी करती है देखो गला में तुलसी पहनती है विदेश में रहती है विदेश में फिर तिलक लगाती है और देखो अभी तुमको बढ़िया कथा सुनाए इसलिए हम चाहते हैं तुम भी अपना घर में भगवान की कथा सुनाओ कथा अच्छे तरह सुना और तुम्हारी सच्ची सहेलियों को भी भजन में लगाओ देखो इधर तभी ये बच्चे को भी सुन लो तभी किसको भक्ति के बारे में बोल सकते हो अगर खुद अगर भक्ति करोगे तो खुद गले में कंठी नहीं तिलक नहीं माला नहीं जब करते हो फिर दूसरों को तुम बोल नहीं सकते जब खुद करोगे दूसरों को भी बोल सकते हो ठीक है ना क्या करना खुद हरिनाम करो गले में कंठी पहनो तिलक लगाओ और दूसरों को भी भक्ति के बारे में दूसरों को समझो ठीक है बोलो हरे कृष्ण अभी गुरुदेव श्रील गुरुदेव ने बताया कि हम सबको अपने इंसान को सुख के लिए परम शांति के लिए ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए हरिनाम करना चाहिए किंतु हम सब क्या हरिनाम करते हैं ठाकुर जी का भजन भक्ति में मन इतनी आसानी से लगता नहीं है तो गुरुदेव एक राजा और चार रानियों की कथा सुनाते हैं एक राजा था उस राजा के चार रानियां थी
जो जो उसके चार रानियां थी वो अपने चारों रानियों से बहुत प्रेम करता था। जो उसकी सबसे पहली रानी थी, राजा उसको इतना प्रेम करता था कि वो क्या, जब भी वो कहीं कुछ भी उसका मन करता था खाने का पिलाने का, वो सब चीज़ उसे ला के देता था। कि आज उसने बोला कि आज मेरे को गोलगप्पे खाने तो उसको वो ला के दिए, आज उसने कहा कि आज मेरे को ये साड़ी पहननी है तो उसको वो ला के दिया। तो वो अपनी उस रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। जो उसकी दूसरे नंबर की रानी थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि राजा उसको जब भी कहीं बाहर जाता था तो अपने साथ साथ पूरे महल उसमें राज्य में उसको घुमाता था, उसको दिखाता कि देखो ये मेरी रानी कितनी सुंदर है। तो ले वो अपनी उसमें उस रानी से भी बहुत प्रेम करता था, सबको दिखाता था उसे कि मेरी रानी इतनी सुंदर, इतना ऐश्वर्य है। जो उसकी तीसरे नंबर की रानी थी वो भी बहुत सुंदर थी, वो भी बहुत प्यारी थी। तो राजा जब अपना महल घूम के आता था तो अपनी मन की जो बात होती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ महल में, मैं जब मैं बाहर दरबार में गया तो मैंने ये देखा, इसके साथ बाहर ऐसा हो रहा था, तो वो अपनी और किसी नहीं, वो अपनी तीसरे नंबर की रानी से आके अपनी मन की सारी बातें अपनी उस तीसरी रानी के साथ करता था। जो राजा की चौथे नंबर की रानी थी वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी रानी थी कि उसकी तीनों रानियाँ उसके सामने फेल थी, उसकी तीनों रानियाँ ऐसी कोई भी नहीं थी। किंतु राजा ने अपने पूरे जीवन में उस रानी की तरफ एक बार देखा भी नहीं, उसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें को भी किसी चीज़ की आवश्यकता है, तुम्हें तेल साबुन कपड़ा कुछ पैसे कुछ चाहिए कि नहीं। अब कुछ दिनों बाद राजा का अंतिम समय आया, जब राजा को पता चला कि अब मेरे पास समय नहीं बचा, मुझे संसार से जाना है, तो उसने सोचा कि मैंने अपनी जो मेरी रानी है मैंने उनसे इतना प्यार किया, जब उन्होंने मेरे से जो चीज़ मांगी मैंने उन्हें वो ला के दी, तो मैं एक बार अपनी रानियों से जाके पूछ लेता हूँ कि अब मेरा अंतिम समय है तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगी या नहीं, कहाँ तक मेरा साथ दोगी। तो वो अपने सबसे पहली रानी के पास गया, उसने बोला पूछा कि रानी मेरा जाने का समय है तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। अब जिस रानी से राजा ने इतना प्यार किया कि वो उसको सब चीज़ ला के देता था, उसकी कभी भी किसी चीज़ के लिए उसने मना नहीं किया, उसे टाला नहीं, उस रानी ने उसको क्या उत्तर दिया कि राजा मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती, मैं तुम्हारे साथ में एक कदम तक भी नहीं चलूँगी। उस राजा को इतना दुख हुआ कि मैंने इस रानी से इतना प्रेम किया, इसने जब जो चीज़ मांगी उसको वही चीज़ ला के दी, कभी इससे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन इसने तो मेरे मुँह पर मना कर दिया। फिर उसने सोचा कि चलो एक ने मना कर दिया, दूसरे से जाके पूछता हूँ दूसरी रानी कौन थी जिसको वो अपने पूरे उसमें दिखाया करता था कि मेरी रानी कितनी सुंदर है, कितनी ऐश्वर्य है मेरे पास। जब वो दूसरी रानी के पास गया उसने पूछा कि रानी मेरा जाने का समय आ गया, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। तो वो उस रानी ने राजा को बोला कि मैं तो मौका देख रही हूँ कि कब तुम मरोगे और मैं दूसरे से शादी करूँगी। तो राजा को बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों कह रहे, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे लेने से कौन मना करेगा, तुम्हारे मरने के बाद अगर मैं किसी और के पास जाऊँगी तो कोई मुझे मना करेगा शादी करने से। उसने कहा नहीं, तो कह रही तो मैं ये तो मौका देख रही हूँ कि तुम कब मरोगे और मैं दूसरे शादी करूँगी। अब राजा को बहुत ठेस पहुँची, फिर उसने सोचा कि चलो तीसरी रानी के पास जाता हूँ। तो वो तीसरी रानी के पास गया, उसने बोला रानी मैं अपने सब मन की बात मैं तुमसे करता था, तुम्हें बताता था, तो मेरा जाने का समय, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। ये रानी थोड़ी सी अच्छी निकली, उसने कहा मैं जाऊँगी किंतु सिर्फ दरवाजे तक मैं जा सकती हूँ, उसके आगे कह रही उसके आगे मैं एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। अब वो राजा को बहुत ठेस पहुंची, अब उसने सोचा कि चौथी रानी, अब चौथी रानी के पास वो जाए कैसे। अरे जब तक वो रहा इस जीवन में, जब तक उसके पास समय था, वो उस रानी के पास एक बार भी नहीं गया, उसने एक बार भी पूछा नहीं कि रानी तुम्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन उसने सोचा कि चलो जब मैंने इससे शादी की थी तो एक बार पूछ ही लेता हूँ। जब वो उस चौथी रानी के पास गया कि रानी अब मेरा अंतिम समय, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी, तो वो सिर्फ चौथी रानी थी जिसने कहा कि राजा जब जहाँ तक तुम जाओगे, जिस मोड़ तक जाओगे, मैं तुम्हारे साथ में अंतिम समय तक चलूंगी। उसने कहा अंतिम समय तक कह रहे जहाँ तुम मुझे, तुम्हारे सुख में सुखी और तुम्हारे दुख में दुखी रहूंगी। उस रानी ने कहा कि राजा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती थी, तुमने लेकिन मेरी तरफ कभी एक बार भी देखा भी नहीं, कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, किंतु तुम जहाँ तक जाओगे, जैसे मुझे लेके चलोगे, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। ये हमारे ये जीवन पे आधारित है। जो सबसे पहली रानी थी, कौन थी सबसे पहली रानी, जिसको सब चीज राजा लाके देता था, वो कौन है? ये हमारा शरीर है। हम अपने शरीर को सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, मेकअप करवाएंगे, आज गोलगप्पे खाने का जी है दुकान पे चले जाएंगे, कुछ भी, हम अपने शरीर को कितना कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा कि हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। एक सेकंड भी लोग उसको टिकने नहीं देते, मरने के बाद क्या बोलते, जल्दी उठाओ लेके जाओ, हमारा शरीर हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दूसरे नंबर की रानी वो कौन थी जिसको राजा सारे उसमें दिखाया करता था, जिसने कहा था कि मैं तो ये सोच रही हूँ तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँगी, वो कौन है? पैसा। पैसा, जब इंसान जैसे ही मरता है मनी एक के उसमें से दूसरे ट्रांसफर,
बाप की मृत्यु हुई तो वो पुत्र के पास चला गया, उसकी हुई तो उसके से उसके पुत्र के पास चला गया। ये पैसा भी हमारे साथ में कभी नहीं जाता। तीसरा, जिसको राजा अपने मन की बात बताया करता था, ये कौन है? ये हमारा परिवार, जिनके साथ हम बात करते, कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक लेके जाते, बढ़िया रथ सजाते ना, अर्थी सजाते, लेकिन शमशान में जाके वापस आ जाते, उसके आगे भी एक कदम नहीं चलते। चौथी रानी, जिसको राजा ने कभी अपने जीवन में पूछा नहीं, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी कुछ उससे कहा नहीं, कभी उससे, लेकिन वो चौथी रानी कौन थी जिसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ तक? अंत तक जाऊंगी, जहाँ तक तुम कहोगे राजा मैं वहां तक जाऊंगी। वो चौथी रानी कौन है? ठाकुर जी का नाम, हरी नाम। हरी नाम एक ऐसी चीज है, जब लोग इंसान मर जाता है लोग उसे क्या बोलते हुए ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं और सबको ही बात झूठी है। इसका मतलब क्या है कि जो ठाकुर जी का नाम है, जो हरी नाम है, किंतु वही हमारे साथ एंड तक जाता है, बाकी और कोई इस संसार की कोई वस्तु कोई भी चीज एक कदम भी हमारे साथ आगे नहीं जाती। तो हमें क्या करना चाहिए? इस सब संसार को छोड़ के, सब बातों को, हमें अपने काम भी, ये नहीं कि सब काम छोड़ दिए, लेकिन उसके साथ टॉप प्रायोरिटी पे हमें क्या रखना चाहिए? ठाकुर जी का नाम, कि जो हमने गुरुदेव से, जो हमारे गुरुदेव ने हमें जो हरि नाम दिया, जो हमें मंत्र दिए हैं, उनका हमें निरंतर जाप करना चाहिए। वही एक ऐसी चीज है जो हमें इस जीवन से पार लगा सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ठाकुर जी का नाम, उनकी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल, हरे कृष्ण। इसको बुलज वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों ने कथा सुनी हो? कौन कौन कथा सुने? हाथ उठाओ, ये कथा को कोई दो बार बोल सकते हो? कौन बोलेगा हाथ उठा? कौन ये कथा जो सुनी हो उसको दो बार कौन सुना सकते? कौन दो बार सुना सकते? हाथ उठाओ। क्या लिखी पढ़ी नहीं हो? गमार हो? स्कूल कॉलेज गई तो थोड़ी बहुत पढ़ी की नहीं? सुना सकते हो माता जी? सुना देगी। कौन सुनाएगी? उसको तरफ के हाथ दिखा रहे, सुना दोगी तुम? देखो देखो, ये जो कथा है ना, ये कथा को अगर अपना जीवन में हमने उतार दिया तो ए, बात मत करो। तुम लोग सुना सकते हो जब कथा सुनो? क्या कथा नहीं सुन रहे? दुनिया की बात हो ना, 10-20 साल का बात सुना देते हैं, अरे अभी अभी सुना है, 5 मिनट की कथा सुना। देखो ये कथा को अपना जीवन में हमें उतारनी चाहिए, ठीक है ना? अगर ये कथा को सार अगर जीवन में उतार लिया तो समझना हमारे जीवन धन्य हो गया है, हमारे जीवन धन्य हो गया है। ये संसार में हमारे साथ में कोई भी चलने वाले नहीं। शरीर बताए ना, शरीर कहाँ तक गई? कौन बोलेगा? शरीर ने क्या उतर दिया? बोलो, शरीर ने क्या उतर दिया? जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसने क्या उतर दिया? बोलो, तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, बोल दिया ना। प्लीज, शरीर जहाँ के तहाँ रह गई, शरीर नहीं चली। और जो दूसरी रानी कौन थी? पैसा, जो सबसे सुंदर है, कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। वो पैसा भी कहते मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या है कि कितना कष्ट करके पैसा कमाते हैं, जोड़ जोड़ कर रखते हैं, हैं? जब पैसा से पूछा साथ में चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू को मरोगे दूसरे से शादी करोगी, हैं? मैंने देखा हमारे गांव में एक पैसा वाला आदमी था, उसने जब शरीर छोड़ दिया ना, इधर सुना, जब उसने शरीर छोड़ दिया, उसको 4 बेटे थे, बड़ा पैसा वाला था, 4 बेटों ने डंडा लेकर के आए, बोले खबरदार ये शरीर को जो छुएगा ना सर तोड़ दूंगा, पहले पिताजी का जितने संपत्ति पहले बंटवारा हो जाए। पिताजी की जितने, क्यों? एक भाई ज्यादा ले रहा था, जिसको हिस्सा कम मिल रहा था ना, वो डंडा लेकर के आ गया, बोले पहले ये हमारे गांव की मैंने देखा, जो देखा है, बोले पहले ये सारे संपत्ति बंटवारा हो जाए, अगर कोई छुएगा ना मोटा डंडा लेकर के सर तोड़ दूंगा एकदम, छूना नहीं, क्योंकि बड़े भाई ज्यादा हिस्सा ले रहा था, बोले पहले बंटवारा हो जाए, समझ रहे हो? इसलिए जिस पैसा को हम इतने प्यार करते हैं, उसको जोड़ जोड़ कर रखते हैं ना, वो पैसा भी क्या होता है, बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पिताजी का ATM कार्ड में कितने पैसा है, बैंक में कितने पैसा है, कितने दुकान वकान, बच्चों का नजर वही रहता है ना, सब नजर वही रहता है, वो कहीं नहीं रहती। सास को पास में कितना अलंकार है, कितना गहना है, वो सब नजर वहीं पर रहती है। इसलिए
इसलिए कहते खबरदार, और शरीर छुट्टे क्या तो पैसा जट दूसरे ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। वो गया पैसा है, पैसा गई, अभी तीसरी आई जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, बोले तू चलोगी, बोले दरवाजा तक चलोगी, कहती ये कौन, बोले पत्नी जिसको तुमने सात फेरा लगा कर तुमने शादी की है, हैं? जब पति का शरीर छोड़ता है पत्नी का शरीर कहाँ तक जाएगी, पत्नी कहाँ तक जाएगी, दरवाजा, उसको आगे पत्नी नहीं चाहती, नहीं चाहती है, परिवार कहाँ जाएंगे, शमशान तक, वहीं से टाटा करके वापस आ जाएंगे। देखो अभी ध्यान तो, देखो कथा सुनना मतलब ऐसे नहीं ये कान सुना इधर निकाल कर चला गया, बाबा गए हम भी गए, देखो बाबा लोग कुछ देने के लिए आए, ये चीज को कोशिश कर लेने के, जो चीज समझाना चाहते हैं ये चीज को समझो, फिर तो बाबाओं को कथा सुनना सार्थकता है, ठीक है ना। इसलिए जो चौथी रानी को राजा ने जीवन में सबसे ज्यादा निगलेट कर गई, सिर्फ बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन तो बड़ी तो अच्छी थी, बड़ी अच्छी, लेकिन राजा ने बेकार किसी काम की नहीं, उसको जिंदगी भर निगलेट करके रखा, इसी काम की नहीं, लेकिन जब उसको पूछा है ना चलोगी, बोले तेरे साथ में मैं चलूंगी, सुख में सुखी, दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाने पिलाए तेरे को खाना खिलाऊंगी। कहते चौधरी रानी कौन है, बोले भगवान का भाई, भगवान का नाम, किसको बोलो ना थोड़ा माला जप करो, बोले सब बेकार काम है, जिसको पास में कोई काम धंधा है ना वही सब बैठ कर हरे कृष्ण, हमारा कितना काम, स्मार्टफोन देखना, टीवी में अभी सीरियल आ रही है, टीवी देखना, हर बेटी बहुओं की गप्पे मारना, देखो ना सारे काम, अगर इच्छा माताएं जितना बड़ी बड़ी माताएं, अगर बहू बेटी की बात हो ना, एक घंटे घंटे तक उसमें बीत जाती है, उसे दिन रात पता नहीं चलता कैसे दिन रात तुम्हारी चली गई है। अभी तो स्मार्टफोन आ गया, तो इतना गड़बड़ी है, फिर टीवी में तीन तीन घंटा बैठ के बैठे देखते हैं, लेकिन बड़ा तो हरिनाम कर, भले सब बेकार काम है, इसलिए जिसका कोई काम धंधा नहीं वही सब करते हैं, हरे कृष्ण, लेकिन जब भले ही जो कुछ बोलना, लेकिन जब तुम्हारी शरीर छूटेगी, जब चार ही व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, मतलब क्या, मतलब बेटा जितने राम का नाम जिंदगी में लिया ना, जितने कृष्ण का नाम लिए हो, ए बात मत करो, इसलिए जितने राम का नाम तुमने ली, जितने कृष्ण का नाम ली, वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कर रही थी ना सब झूठे में बिताया, तेरे बीवी भी नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे, दुकान वकान सब यही तो छोड़ करके जा रहे हो, हैं? इसलिए भागवत में कथा आती है मरने का बाद ये जीव को जब महाराज के सामने खड़े कर दिया था, जब महाराज ये नहीं बोले कितना छोरी थी, कितने छोरे थे, किस छोरी को कितने कितने किलो तुमने सोना दी, कहाँ शादी करवाए, कैसे गाड़ी तुमने दी, ये सब नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे जब महाराज तेरे को 84 लाख जन्मों के बाद में ये जो मानव शरीर तेरे को दिया था, हैं? 84 लाख जीवन में जो मानव शरीर दिया था, जो काम के लिए दिया था, किसी काम के लिए दिए थे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को लग कपास, जब मातृ गर्भ में जब बच्चे का 7 महीना हो जाता है, ठाकुर स्वयं माँ को सुना रहे, बोले माँ जब माँ की पेट में बच्चे का 7 महीना हो जाता है ना, सारे पूर्व जन्म की उसको बाद याद आता है, 1000 जन्म की, पहले जन्म में मैंने कैसे झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, पूरा परिवार को मैंने खिलाया पिलाया, लेकिन सुख का समय तो सब थे, लेकिन जब कर्म का फल भोग करे वो बीवी कहाँ, वो बच्चा कहाँ, वो पिता कहाँ, वो माता कहाँ, कोई तो साथ में है ही नहीं, सारे कर्म का फल मैं अकेला भोग कर रहा हूँ, कहाँ सबके सब, देखा कोई नहीं अकेले, अरे पेट में टाटी पेशाब थली में टांग ऊंचा सर नीचा करके रहता है बच्चा, हैं? पेट में क्या है बताओ, इतनी गर्मी ना, आज अगर रसगुल्ला गुलाब जामुन खा ना कल बिस्टा बनकर निकल जाती, इतनी गर्मी ये पेट को अंदर में है, इसलिए भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल, ठाकुर जी दर्शन देते हैं, बोले बताओ अगर ये पेट से निकाल तो ना तो क्या करो, बोले प्रभु मैं समझ गया संसार पूरा झूठा, केवल ये मतलब का संसार और कुछ नहीं, केवल मतलब का संसार, इसलिए सब प्रेम दिख रहा है ना, चूंकि तुमसे अभी कुछ मिल रहा है, अब देखा गन्ने से कैसे जूस निकालते हैं, एक बार गन्ने को दे देगा जूस निकल गया,
और उस रात जूस डबल करके देगा बोले थोड़ी जूस और है, फिर 8 डबल करके देगा, फिर उसके बाद ना फेंक देगा। ये संसार ऐसे है, जो प्रेम दिख रहा है ना बड़ी प्यारी प्यारी, इसलिए अभी चुके तेरे से कुछ मिल रहा है, इसलिए तुमको प्रेम दिख रहा है, इसलिए प्रेम दिख रहा है, नहीं तो बस अगर सेवा नहीं करोगे ना परिवार तुम प्रेम करेंगे। गुरु जी कहते थे, पत्नी कहती है पति तो मेरे को बड़ा प्रेम करता है, गुरु जी बोले तेरी नाक टेढ़ी हो जाए, से थोड़ी मुंह में आग लग जाए, देखना तू रहते रहते और एक कर लेगा। इसलिए जगत में प्रेम प्रेम कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है, संसार में कुछ है ही नहीं। वो बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है गर्भ में, इसलिए भगवान को पुकारता, बोले प्रभु कि नरक से मेरे को निकाल दो। बोले अभी क्या करोगे? बोले एक चांस दे दो, फिर उठते बैठते तेरा नाम जप कर ले। क्या करूंगा? उठते बैठते तेरा नाम लूंगा, भजन करेगा। बोले ऐसे नहीं, यहाँ पर कष्ट पा करके तो प्रतिज्ञा कर रहे हो, पर संसार में भूलते नहीं जाओगे। बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी कहते अगर भूल जाओगे ना, बीच बीच में तेरे को मैंने वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, मेरे फर्स्ट वार्निंग। बाल पकना मतलब क्या? ऊपर जाने का समय हो गई। अब ध्यान देकर देखना, जब बाल पकता है ना, वो कान से यहीं से बाल पक गया, कान में बेल दे दिया। ठाकुर जी को बोल करके आया था ना, तेरे नाम भजन करूंगा। कितना समय कर रहे हो? कितना समय टीवी देख रहे हो? ये पहला वार्निंग है ठाकुर जी के, लेकिन उसका वार्निंग को हम नहीं सुनते। बाल एक पक गया, उसे उखाड़ दे, इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा बाल पकता है, उसको भी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल उखाड़ देते हैं, उखाड़ दे, उखाड़ा कि नहीं। अगर जब खिचड़ी हो जाए ना पूरा भी पूरा, फिर क्या करते, मेहंदी लगा देते, कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं, बोले हम थोड़ी बूढ़ा बूढ़ी हो गए। ये पहला भगवान का वार्निंग। दूसरा वार्निंग भगवान कहते हैं, अगर इसका बात नहीं सुनोगे ना, फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या? फिर आँख कमजोरी हो जाता है, 40 साल होते ही आँख में कमजोरी आ जाती है, फिर चश्मा लगा हैं। भगवान कहते तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले तीसरा बार कथा सुन लो, अभी इधर उधर मत जाओ बाबा, अभी कहीं मत जाओ, 5 मिनट सुन लो, इसलिए तीसरी वार्निंग दूंगा। बोले क्या? बोले तुम्हारे जो एक एक दांत है ना, एक एक तोड़ना शुरू कर दूंगा, एक एक दांत को तोड़ना शुरू कर दूंगा। फिर हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, फिर 32 दांत लगा देते हैं, खिलखिला करके फिर हंसते हैं, कहते हमारा थोड़ी कुछ हुआ है। भगवान कहते फिर तुमको फोर्थ वार्निंग दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है। बोले क्या है? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगी। मतलब क्या? कमर टेढ़े कर दूंगा, हाथ पैर टेढ़े कर दूंगा तेरे, हैं? फिर डंडा लेकर चलोगे, हैं? डंडा लेकर चलोगे। भगवान कहते हैं फिर 5वां वार्निंग नहीं, बोले राम नाम सत्य है। माता जी आप क्यों बीच में घूम रहे हो? ए चुपचाप बैठ जा, डॉक्टर होगा ना कोई बुद्धि बने, चुपचाप वहां बैठो। इसलिए कहते हैं ये भगवान की एक एक वार्निंग है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटो न लगे कपास, माँ के पेट से जब आए ना भगवान से कसम खा करके आए, ठाकुर जी ये झूठे संसार में और नहीं बसूंगा, ये इंसान का जीवन दे रहे हो, उठते बैठते सोते केवल तेरा नाम जप, नाम जप करके संसार से पार हो जाऊंगा। लेकिन अभी बोलो ना माला करने के लिए समय कहाँ है? बोल कर आए तो भजन, लेकिन टीवी देखने के लिए समय, छोरा छोरी की बात करने के लिए ज्योति है, चुगली करने के लिए तो इतना समय सबसे ज्यादा मीठा लगता है वही है। बैठ जाओ, उसकी बहू ऐसे की, उसकी छोरी ऐसे की, इसकी छोरा ऐसा किया, घंटे घंटे तक बीत जाती है। बोले थोड़ा नाम कर, बोले समय कहाँ है? समय है कि भगवान अपना माँ को कह रहे, ठाकुर जी तृतीय स्कंध में भागवत में ये कपिलदेव माँ को कह रहे, बोले माँ अगर ये जीव भजन नहीं करता है, आप देखना जो मरते समय आप देखे होंगे उसको अर्थी सजा देते हैं, हाथ पैर को तो बांध देते हैं, लेकिन इस सर पास में एक तकिया रख लेते हैं और 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते, बोले राम नाम सत्य है, सुने कि नहीं? ये बोलते ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले बेटा जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहे हैं, और जो कुछ किया ना झूठे में बिताया, यहाँ से कोई भी तेरे साथ नहीं जा रही है। लेकिन उसको सुनाते मरे हुए व्यक्ति को, बोल अभी तो बोल राम का नाम, अभी तो मर गया बोल। अब देखना उसका सर तो तकिया में रहता ना, तकिया को ऐसे ऐसे करता है सर, बोले राम नाम सत्य बोल, बोले नहीं अभी नहीं बोलूंगा, बोले अभी नहीं बोलेगा, बोले नहीं अभी भी नहीं बोलूंगा, बोले चल अभी तेरे को शमशान ले जाते,
प्रचिता से जाते हैं, बोले भैया अभी तो राम का नाम ले लो उधार हो जाओगे, बोले नहीं नहीं दूंगा, प्रचिता में उसको लेटा देते हैं। अरे बेटा क्या करते हैं, मुंह में आग देता है, मतलब क्यों क्यों बेटा मुंह में आग देता है, बोले जिस मुंह तेरे को ठाकुर ने दिया था हरिनाम करने के लिए नियत किया था, नहीं सब दुनिया की चुगली निंदा उल्टा पलटा बात कर तेरा, इस मुंह में तेरा आग, लेकिन हमारे वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते, वो चरण में आग देते हैं। बोले क्यों, बोले जिसने भगवान की इस जीवन में नाम किया अग्नि देवता है, अग्नि देवता है, उसका चरण में अग्नि देते हैं, बोले अग्नि देवता भी तेरे चरणों को पूजा कर रहा है, धन्य है तेरे जीवन जो जीवन पा करके जिंदगी भर ठाकुर का नाम तुमने दिया, समझ रहे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के भजन करते उसको मुंह में आग नहीं देनी चाहिए। हम गाली देते हैं मुंह में आग, गाली देते हैं है? इसलिए उनको मुंह में नहीं उनकी चरण में देते हैं आग है? फिर भगवान कहते बोले माँ मरने के बाद उसको गले में जो जमदूत है ना, गला में रस्सी बांधते हैं और 99,000 किलोमीटर गर्म रेतियों के ऊपर इसको घिसटते घिसटते ले जाते हैं, रास्ता में कुत्ते सियार उसको नोचते खाते रहते हैं, फिर उसको 13 दिन बाद में शुद्धि किया होता है ना, 13 क्यों, आप लोग गरुड़ पुराण सुने होंगे, किस किस घर में जब मरते हैं वो गरुड़ पुराण सुनते हैं, उसमें सारी बात एक एक आती है, 13 दिन तो गरुड़ पुराण सुने जाती है, पहला दिन कहाँ जाती है, दूसरा दिन क्या आत्मा कहाँ जाती है, तीसरा दिन आत्मा है, कहते एक टाटी पेशाब की पी कर खून की एक नदी होता है जिसका नाम कहते बैतरणी नदी, क्या नाम है, कहते ये बैतरणी नदी, ये बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, बोले कैसे, बोले ऊपर से उसको कोड़े मार, वही पर बढ़िया वही बढ़िया वही बढ़िया, इसलिए उसको कोड़े मार मार करके उसको वो नदी पार करवाते हैं, ध्यान देकर सुना, उसको बाद में फिर 84 नरक में घुमाते हैं, लेकिन किसको ये चीज को समझ रहे, किसको, बोले जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं, जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाते हैं और जो व्यक्ति हरि का नाम नहीं जप करते हैं ना, उनको होता है। अगर तुम्हारी गले में तुलसी कंठी होगी, जम स्वयं कह रहे हैं तो ठाकुर स्वयं, अगर तुम्हारी गले में तुलसी की कंठी होगी, ये बैतरणी नदी तो पार नहीं करोगी, तुमको ये जमदूत नहीं ले जाएंगे, विष्णु दूत ले जाएंगे, इसलिए जम स्वयं कहते जमदूतों को, जब महाराज जम दूतो कहते जो भक्ति नहीं करते ले आना, बोले पता कैसे चलेगा भक्ति करता कि नहीं करता है, बोले उसको शरीर में 3 लक्षण दिखेगा, बोले क्या है, बोले ललाटे तिलकम, देखो भागवत कहता है तिलक लगाएगा, कंठे त्रिकंठी का गले में तुलसी माला और भगवान के नाम जप करते हैं, अगर इनको देखोगे ना जप कहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, समझ आना ये ठाकुर का नाम, ये बांके बिहारी कभी उनको नरक मत लेना, वो तो सीधा भगवान का धाम में जाए, समझ रहे हो, इसलिए क्या करना, गले में तुलसी की कंठी पहना करो, गले में तुलसी की कंठी, इसलिए जब महाराज कहते हैं पता कैसे चलेगा, बोले 2 तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते, कहते पालतू कुत्ते को देखो गले में पट्टा बंधा रहता है, क्या रहता है, गले में पट्टे रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते, और जिसकी गले में पट्टे नहीं वो फालतू कुत्ते हैं, देखा ना फालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, फालतू है ना रोड में घूमने वाले, उसका तो कोई मालिक ही नहीं, गले में अगर तुलसी कंठी है ना पालतू है किसकी, बांके बिहारी की पालतू हो ठाकुर जी के, अगर गले में नहीं है ना रास्ता में घूमने वाले फालतू है, अब तब पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे, अरे बोलो पालतू बनना, फालतू नहीं बनना, इसलिए गले में सबके सब कंठी पहनो, ऐसे अपने आप डाल दो किसी भक्तों के हाथों से, किसी भक्तों के जैसे देखो ये पालतू बैठी है, गले में कंठी देखो ये पालतू बैठी है, और अब कुछ गोपियां से वो पालतू बैठी पर गले में है कि नहीं है ना, फालतू ना तो पालतू हो हाँ, की कंठी नहीं कि नहीं, हाँ देखो ये पालतू है, इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी वो सब पालतू, देखो हम हिंदू है, बताओ तुम हिंदू ना मुसलमान हो, अरे बोलो हिंदू, देखो हम हिंदू है, जैसे हमारे पूर्वज लोग तुलसी की पूजा करते हैं सेवा करते हैं हमें पता है, लेकिन ये जो अंग्रेजी नहीं बैठी है ना सामने देख रहे हो गोपी को, ये रशिया से आई, ये लोग हम तो मान जाते हैं भक्ति का बात, लेकिन ये अंग्रेजी लोग नहीं मानते हैं, जब तक कोई साइंस को द्वारा कोई चीज को प्रूव नहीं करते हैं, हाँ साइंस में कोई चीज को स्थापित नहीं करते, ये विदेश लोग नहीं मानने वाले, लेकिन इन लोगों ने साइंस के थ्रू को द्वारा उन्होंने देखा सचमुच से तुलसी, अब जो कोरोना आई ना रामदेव बाबा दवा निकला ना इसको खाने पर, वो कैसे तुलसी तुलसी के जूस से उसने निकाला,
हैं, तुलसी का जूस से गले में अगर कंठी रहेगा ना, स्नान करोगे उसका पानी सारा शरीर में जाएगा, सारी बीमारी निकाल देती है। और इस पुराण में श्लोक बताया, जिनकी गले में तुलसी कंठी है, तुलसी कंठी जैसे स्नान करोगे उसमें पानी को स्पर्श करके शरीर में गया ना, पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है घर में। क्योंकि जो तुलसी, तुम तो हिंदू लोग देखना सालोग्राम को साथ में शादी होती है, देखा तुलसी को, क्यों, ये तुलसी लक्ष्मी, गले में कंठी मतलब कौन आ गई, माँ लक्ष्मी आ गई तुम्हारे गला में। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों बांके भी हरी, बोले क्यों, वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी वन, जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर जी, गले में कंठी मतलब बांके बिहारी तुम्हारी कंठे में, बांके बिहारी और लक्ष्मी दोनों तुम्हारी कंठे में आ गए। जैसे ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगा, देखना छापान भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी है, अगर उसमें तुलसी पता नहीं तो ना ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह जब शरीर में हमने ये तुलसी कंठी हमने धारण कर ली, कंठी ये शरीर को समर्पित हो, कंठी पहन लिया मतलब क्या है, ये शरीर ठाकुर जी को, आज से ये ठाकुर जी के हो गया। हमारे देश में क्या नियम जानते हो, घर में अगर कोई बहू घर में शादी करके आएगा ना, सबसे पहले उसको अपना गुरु जी को पास में ले जाएंगे, उसको गुरु जी के हाथ से गले में कंठी पहनाएंगे, फिर घर का पानी उसको चलाएंगे, नहीं तो उसको रसोई बनाने पर उसका खाना नहीं खाएंगे, बोले उसका हाथ पर पानी मत पिया। अगर कोई परिवेशन करेगा ना, बोले नहीं तो परिवेशन नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, क्यों, बोले अभी तुम्हारी गले में तुलसी कंठी नहीं। इसलिए जिनके घर में तुलसी कंठी नहीं है ना, ठाकुर के लिए खाना बनाते हो, तुम्हारे हाथ का खाना ठाकुर नहीं लेते, ठाकुर ऐसे तो भूखे नहीं बैठे खा लेंगे, गले में कंठी होगा तो ठाकुर की सेवा तुम कर सकते हो, नहीं तो सेवा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, गले में क्या पहनोगे, बोलो, तुलसी की माला कंठी पहनना और तिलक जरूर लगाना, ये गोपियों की चरण धूलि, इसको कोई मिट्टी मत समझो, ये द्वारका से आता है, द्वारका से ये मिट्टी आती है। जैसे हम स्त्री अब लोग बोले अरे भजन करने के लिए कंठी तिलक क्या जरूरत है, क्या बगैर कंठी तिलक के भजन नहीं होता है, कोई कुछ बोलते है ना, जैसे कुछ माताएं यहाँ सधवा बैठे हो, हमें कैसे पता चलता है तुम सधवा हो, सिंदूर का बिंद लगाए, मांग भरे, मंगल सूत्र पहने, नाक में बेसर पहने, पता चलता भैया इसका पति है, सधवा है, हैं? बताओ तुम्हारे पति कब बने, शादी से पहले कोई मतलब था, अगर बीच में ज्यादा लड़ाई भड़ाई हो गया तो डाइवोर्स हो गया तो गया, फिर मर गया तो फिर गया, सारे पति पति खत्म। भैया दो दिन की पति के लिए जब इतना मांग भर लेते हो, सिंदूर लगा देते हो, तुम्हारे जो परम पति जो भगवान, उसके लिए क्या चिन्ह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास में क्या चिन्ह, तुम भगवान के हो, क्या चिन्ह है, जैसे तुम्हारी पति है, पूरा तुम्हारी सधवा का श्रृंगार पूरा उतार ली, एकदम सफेद साड़ी पहन कर गई, कपड़े पहन कर गई, जो विधवा होती ना पति को सामने चली जाओ, बताओ तुमको पति स्वीकार करेगा, बोलो, पति बोलेगा जिंदा रहते रहे तो तुमने मर को मार कर, जब ये दुनिया की पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, परम पति तुम्हें क्या स्वीकार करेगा, अगर कंठी गले में कंठी तुलसी नहीं ना, कृष्ण तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, बोले भैया तू मेरे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई श्रृंगार है ही नहीं, तुम्हारे शरीर में कंठी माला है, ठीक है ना। सबके सब क्या करो, तिलक लगाओ, गले में तुलसी कंठी पहनो और ठाकुर जी की नाम जप करो, अरे यही काम में आएगा, यही चौथा पत्नी है जिसको हम पूरा जीवन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो बेकार काम है, लेकिन यही बेकार काम ही काम में आएगा, और जिसको साकार कर रहे हो ना, काम आने वाले कोई तुम्हारे काम में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। सबके सब हरि नाम करना, माला जप करो, भक्ति करो और खूब आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। प्रभु जी के होली का भजन गा लो, हरे कृष्ण, इधर सुना, अगर जिसको इच्छा होगा माला जप करके एक माला ले लेना लास्ट, और तुम भी जप करना, तुम्हारे जो घर में जो बच्चे है ना उनको भी बोलो, देखो जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं होती, ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसको एक माला जप करवाया करो, देखना अपने आप को बच्चा का पढ़ाई में मन लग गया, अपने आप मन लग गया, समझ रहे हो। इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण राम, इधर सुना, हरे मतलब क्या है, हरे मतलब होता है हमारे पाप को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब क्या, मन भटकता है इधर उधर, मन कहीं नहीं लगता है, मन बड़ा चंचल, मन में अशांति, शांति नहीं। क्री मतलब क्या, आकर्षण करना, ये मन को भटकने, इसलिए उनका नाम क्री, देखना क्री कैसे बोलता है, ऐसे बोलता है री,
जैसे कहीं काई जम गया ना, जैसे निकालते हैं हमारी जो जो हम जैसे मछली को पकड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे कांटा होता है, हमारा मन इधर उधर भटकता, शांति मन में नहीं। कृष्ण नाम करो मन में शांति मिलेगा। राम मतलब क्या है? जीवन में जो आराम, जीवन में सुख शांति दे। अगर भगवान का नाम करोगे तो तीन चीजें मिलेगा, क्या? दुख दूर जाएगा, जो चंचल मन भटकते हुए मन जो शांति नहीं, शांति मिलेगी। राम मतलब जीवन में आराम मिलेगा। और जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है ना, उनको माला जपा कराया करो, हैं? उनको माला जप कराया करो, देखना उसको बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा और बच्चा अच्छा संस्कारी बनेगा और बड़े बन करके तुम्हारी सेवा करेगा, समझ रहे हो? हैं? इसलिए बच्चों को एक एक माला जप कराया करो। जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं ना, देखना ये शुक्रवार का दिन जोर जबरदस्त बच्चों को ले टोपी पहना कर ले जाते हैं और मैं रोड जाम कर देते, नमाज पढ़ते है ना, पढ़ते करते ही नहीं। तुम कभी अपना बच्चे को बोलते हो कि माला कर, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कभी बोलते हो? बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं। क्यों? कारण क्या? इसका महत्व नहीं। इसलिए बच्चे संस्कार नहीं बनते, बड़े बनकर पिता माता की सेवा नहीं करते। इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालो। हैं? किसी मुसलमान बच्चे को पूछो कुरान, उनको 2 साल कंपल्सरी 2 साल में उसको कुरान पढ़ाया जाता है मुसलमान बच्चों को। लेकिन हमारे हिंदू बच्चों को कोई रामायण नहीं, भागवत नहीं, कुछ नहीं, कोई शिक्षा नहीं। इसलिए हमारे बच्चे हमें अनादर करते हैं। इसलिए अगर चाहते हो बच्चे बड़े बनकर अच्छे बने, तुम्हारी सेवा करे, हैं, भक्ति करे, बच्चों को संस्कार डालो। लेकिन संस्कार कब डालोगे? जब खुद जब भजन करोगे तब तो बच्चों को बोलोगे माला करने के लिए। अगर खुद नहीं करोगे तो बोल नहीं सकते। पहले खुद करो। पहला गुरु कौन है? पिता माता। देखो ये एक माता जी बैठी, देख रहे हो माता जी को? देखो इनके ये जो 2 बच्चे मजीरा बजा रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं मजीरा बजाते हैं, देखो बैठ के मजीरा बजाते हैं, भगवान का नाम करते। कारण क्या? माँ स्वयं कर रही है। पहला गुरु तो माँ है ना, माँ से संस्कार, पहले संस्कार माँ से पड़ता है। माँ अगर खुद करेगी फिर बच्चों को, कल उन्होंने बोले महाराज वैसे तो करते थे कीर्तन करते मजीरा बजाते, बोले इनको माला दो, बच्चे माला करेंगे, हैं, माला लेकर माला करते, भजन करते, पढ़ाई करते। ठीक है, सब खुद पहले भजन करो, बच्चों को भी संस्कार डालो। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। सब कैसे खड़े होकर करना आज करो, बैठ बैठ के प्यार दुख गया ना। बोलो हरी के रसिया की जय, जय श्री राधे। हाँ जी, कन्हैया रंग तो पे डारे वो, जय जय श्री राधे। बोलो होली के रसिया की, कन्हैया रंग तो पे डारे वो, सखी घूंघट काहे खोले, कन्हैया रंग तो पे डारे वो, I'm gonna die.
Oh, yeah.